सब्सक्राइब कीजिए अर्न विद आरके चैनल को, बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका अर्न विद आरके में स्वागत है और आज हम फिर आपको रूबरू कर रहे हैं आज की नई ताजा खबरों के साथ और बताएंगे आपको कि बिटकॉइन की कीमतें क्यों इतनी बढ़ रही हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और आज आपको खबरें देंगे सारी कि क्या देश दुनिया में क्या चल रहा है तो उससे मैं रूबरू कराऊंगा और दूसरी एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी आज YouTube में मतलब YouTube चैनल में एक हमने हार्डवेयर जोड़ा है। चलिए मैं आपको आज रूबरू करता हूं आज की ताजा खबरों से। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही है चाइना की तरफ से और जैसे कि आपने देखा होगा 15 दिन पहले चाइना ने जो बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंज थी उनको बंद कर दिया था, बंद करने के लिए ऑर्डर कर दिए थे कि आप अभी इनको सस्पेंड कर दीजिएगा, कोई ट्रांजेक्शन आप नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ की जो दो बड़ी एक्सचेंज है, एक हुबेई करके है और एक है ओके क्वाइन, उन दोनों ने P2P जो ट्रांजेक्शन है वो शुरू कर दी है। पीयर टू पीयर के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खोल दिया है और वो तैयार हो गई हैं अभी बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है और आप देख रहे होंगे कि पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में बिटकॉइन में इस समय ये स्ट्राइक चल रहा है इन चीज़ों का, जो आपके आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि बिटकॉइन का कीमत कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगली खबर पे चलते हैं हम दोस्तों। अगली खबर आ रही है दोस्तों बिटपे के नाम से। बिटपे एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है और वॉलेट है जो 2011 में शुरू हुआ था अमेरिका में और ये वॉलेट और ये एक्सचेंज जो है वो कम से कम 2,00,000 बिटकॉइन का पर मंथ एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन करता है। तो आप समझेंगे काफी बड़ा ये एक्सचेंज है बिटपे और इसके बारे में एक खबर आ रही है कि इसने निश्चय किया है कि अभी जो सेगविट 2 आ रहा है, सेगविट 2 के दौरान ये अपने ट्रांजेक्शन को सस्पेंड कर देगा 24 आवर्स के लिए। उसने अभी से ये नोटिस दे दिया है क्योंकि आपको पता ही होगा 15 या 16 नवंबर के आसपास ये सेगविट आने वाला है, सेगविट 2X हार्ड फोर्क आने वाला है और भी बहुत सारे जो कॉइन के एक्सचेंज हैं उनकी तरफ से भी ये खबर आएगी, आने वाली है और भविष्य में आएगी कि वो कुछ समय के लिए ट्रांजेक्शन आपके बिटकॉइन के रोक देंगे। तो दोस्तों बिटपे का कहना है कि हमें ये करना इसलिए मजबूरी है कि हम अपने जो भी हमारे ट्रेडर हैं, जो भी हमारे वॉलेट को यूज़ कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना हमारा जो है वो प्रथम कर्तव्य है। तो उसके लिए वो जरूरी समझते हैं कि अगर वो ट्रांजेक्शन बंद नहीं करेंगे तो हो सकता है किसी भी ट्रेडर का या किसी भी इन्वेस्टर का बिटकॉइन इधर से उधर हो जाए। तो दोस्तों ये दूसरी खबर आपको मैंने बताई, आइए तीसरी खबर पर चलते हैं। तीसरी खबर आ रही है आपका बिटकॉइन कैश की तरफ से। तो दोस्तों ये नई खबर है, बिटकॉइन कैश का हार्ड फोर्क बहुत जल्दी आने वाला है इसी नवंबर 13 को। तो तैयार रहिएगा, जिन लोगों के पास बिटकॉइन कैश है उसका हार्ड फोर्क आएगा और उसकी अगर कोई नई करेंसी बनेगी तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा टाइम से। मेरे आप चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन लोगों ने घंटी नहीं दबाई है वो घंटी दबा लें और भाई दोबारा मत दबाना नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसीलिए एक ही बार उसको सब्सक्राइब करना है, दो बार नहीं करना है या तीन बार नहीं करना है, उससे क्या होता है कि आपको पता नहीं होता और आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो दोस्तों तीसरी खबर आ रही है, मैंने आपको बताया बिटकॉइन कैश की तरफ से 13 तारीख को ये इसका हार्ड फोर्क आएगा। अभी बहुत सारी जानकारी नहीं आई है, जैसे ही मेरे पास जानकारी आती है मैं कलेक्ट करके आप तक पहुंचाऊंगा जल्दी से जल्दी, तो देखते रहिएगा। अगली खबर बताता हूँ। अगली खबर आ रही है बॉस अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की, मैंने जैसे आपको बताया था कि एक गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो कंट्रोल करती है और जो एडवाइजरी जारी करती है, उसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक एडवाइजरी जारी की है
लोगों के लिए, यूएसए की पब्लिक के लिए कि देखो भाई आप जो है वो ये देखकर आईसीयू में पैसे ना लगाएं कि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, कोई हॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा हीरो, बहुत बड़ी हीरोइन उसको एंडोर्स कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है या उसका फ्लैग लेकर खड़ी है उस आईसीयू का। तो ये बांड किया है कि आप इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले, करीब एक साल पहले, एक कंपनी यहाँ आई थी जिसका नाम था सोशल ट्रेड करके, और सोशल ट्रेड ने भी बड़े बड़े हीरो, जो बॉलीवुड के हीरो हैं और हीरोइन हैं, उनको हायर किया था अपने सेमिनार में और लोगों को इन्फ्लुएंस किया था कि जिससे वो उसमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसी चीजों में मत आइएगा कि अगर कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी या आपका जो फेमस हीरो है या हीरोइन है अगर किसी को एंडोर्स कर रही है, किसी के साथ खड़ी हुई है, तो जरूरी नहीं वो पैसे के लिए खड़ी है, उसने पैसे लिए हैं इसीलिए वो एंडोर्स कर रही है, उसको उस क्वाइन से, उस आईसीओ से मतलब नहीं है। क्योंकि पिछली बार खबर आ रही थी कि जूलिया रॉबर्ट ने एक आईसीओ के लिए एंडोर्स किया था और उसने वो बहुत बड़े चढ़े शब्दों में न्यूज में और सोशल मीडिया में छापा था कि देखो जूलिया रॉबर्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इस चीज के लिए ध्यान रखिए, और अमेरिका ने खास करके ये एडवाइजरी जारी की है आप सब लोगों के लिए, और आपके लिए भी, इंडिया के लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि इस चीज के लिए ध्यान रखें, इस तरीके की इन्फ्लुएंस में ना आए कि अगर कोई हीरो हीरोइन, कोई अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या सलमान खान अगर किसी भी आईसीयू के साथ खड़े हैं या कोई झंडा पकड़ के खड़े हैं तो वो केवल पैसे के लिए खड़े हुए हैं, उनको उस क्वाइन से, उस कंपनी से, उसके मैनेजर से, उसके सीईओ से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों मैं अगली खबर पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों हम लोग अभी बात कर रहे थे आपके साथ कि जिन लोगों, जो लोग मेरे चैनल को शुरू से देख रहे हैं, मैंने उनको हमेशा ये एडवाइस किया था कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, कुछ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये बिटकॉइन ही आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है। और भी क्रिप्टो करेंसी हैं जो ऊपर की 10 हैं वो भी बेटर हैं, लेकिन जो बिटकॉइन है वो किंग है। और आप देखिए कि जितने भी आईसीओ हैं, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, वो आपको आईसीओ भी बिटकॉइन में बेचती हैं या इथेरियम लेती हैं। तो आप समझिए कि वो बिटकॉइन आपसे ले रही हैं और उसके बाद आपको आईसीओ दे रही हैं जिसकी कीमत आगे फ्यूचर में बढ़ेगी। तो दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अब आप लोग बहुत मौका चूक गए हैं, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस साल क्या पोजीशन हुई है बिटकॉइन की। बिटकॉइन की 1 जनवरी में आपको पता है कितनी कीमत थी, 1 जनवरी में जब ये साल शुरू हुआ था $1,000 कीमत थी इस बिटकॉइन की, और आगे जाकर ये 16 जुलाई 2017 पर इसकी कीमत हो गई थी $2,000। आप देखिए, आप चार्ट में जाइए, आप चेक करिए जो मैं बोल रहा हूं। और उसके बाद 1 सितंबर 2017 को इसकी कीमत हो गई थी $4,900। ध्यान से मेरी बात को गौर से सुनते रहिएगा कि बिटकॉइन की कीमतें किस तरीके से बढ़ी है। $4,900 मतलब अप्रोक्सीमेट $5,000 तक पहुंच गई थी। उसके बाद 15 सितंबर को ये डाउन हुआ था बिटकॉइन, और डाउन होकर बिटकॉइन पहुंच गया था $3,300 पर। लोग वहां घबरा गए थे, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया था, जिन लोगों ने अपने कुछ बिटकॉइन लिए थे तो वो बेचकर बाहर हो गए। तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों का हार्ट छोटा है, जिनका दिल छोटा है, जो बार बार दिन में 10 बार बिटकॉइन के प्राइस चेक कर रहे हैं, बार बार अपना वॉलेट देखते हैं, प्लीज बिटकॉइन में काम नहीं करें। क्योंकि अगर आप बिटकॉइन में इस तरीके से काम करेंगे, आपको हार्ट की बीमारी हो जाएगी, आपका दिमाग की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मानसिक संतुलन खराब हो सकता है। इसमें केवल अच्छे दिमाग वाला बंदा, मजबूत दिमाग वाला और मजबूत दिल वाला बंदा ही बिटकॉइन में काम करे, ये मेरी रिकमेंडेशन है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं बिटकॉइन में पैसे डालकर भूल जाओ, और जितनी हिम्मत है आप डाल दो, और मत देखो कि बिटकॉइन की कीमत गिर रही है या ऊपर बढ़ रही है। आप उसको बिल्कुल शांत स्वभाव से रहो, आपने ये सोच के चलो कि मैंने ये बिटकॉइन ना खरीद के मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया लॉन्ग टाइम के लिए। तो आप देखेंगे कि आप
आने वाले टाइम में 2019 में, 2020 में, 2021 में जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तब आप उस बिटकॉइन को निकालो और उसके बाद बेचो। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको पहले भी बताया था कि बिटकॉइन बहुत जल्दी $10,000 को क्रॉस करने वाला है, ये आपने देख लिया। अभी आज के जो रेट है $7,000 को आपको क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि इसी साल या जनवरी तक, 2018 की जनवरी तक ये बिटकॉइन जो है वो $10,000 भी क्रॉस कर दे। तो इसमें कोई झूठ नहीं है और जिस तरीके से चल रहा है आप भी कर सकते हैं। आप देखिए, नेट पर देखिए किस तरीके से बिटकॉइन बढ़ रहा है, ये कोई मेरे दिल की उपज नहीं है, ये जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। और 2021 तक एक्सपर्ट का कहना है कि ये बिटकॉइन $50,000 को भी क्रॉस कर सकता है। तो दोस्तों जो लोग चूक गए और जो लोग बिटकॉइन नहीं खरीद पाए, मैं उनसे कहता हूं अब भी मौका है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर वो $7,000 पर बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो ये बिटकॉइन 7,000 पर ही रुकने वाला नहीं है, ये बिटकॉइन 10,000 पे भी पहुंचेगा, 15,000 पे भी पहुंचेगा और ये 20,000 पे भी पहुंचेगा, 50,000 पे भी पहुंचेगा। तो देरी कभी नहीं है। लेकिन हाँ, जो बिटकॉइन आप अगर एक साल पहले खरीदते तो जो 40-50 हजार में मिल जाता, उस बिटकॉइन के लिए आज आपको 4 लाख और 4.25 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर क्रिप्टो करेंसी में काम करना है या माइनिंग में आपको जोड़ना है तो आपके लिए एक एक दिन जो है वो क्रूशल है। आप उस दिन को, एक एक दिन को मत गमाइए। आपको जो कुछ करना है उसका डिसीजन फास्ट लीजिए और जल्दी से जल्दी अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करिएगा या माइनिंग करना है तो माइनिंग करिए, क्योंकि माइनिंग की डिफिकल्टी भी डे बाय डे बढ़ती रहती है। जो आज आप क्वाइन पैदा कर सकते हैं, जो बना सकते हैं, वो कल नहीं बना सकते और जो कल बनेंगे वो 15 दिन बाद नहीं बनेंगे। तो हमेशा ये सिस्टम चलता रहता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये न्यूज़ ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और अगली बार फिर मैं मिलूंगा आपसे एक नए न्यूज़ के साथ, आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।